हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। मैं हूँ विश्व। तो आज का ये वीडियो सवाल के जवाब में है। सवाल ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कभी कभी हमारे पास वर्ड्स के बीच में एक जैसा स्पेस नहीं होता, जैसा कि आपको यहाँ सामने पैराग्राफ में दिख रहा है। अलग अलग वर्ड्स के बीच में अलग अलग तरीके का स्पेस है, तो इसको ठीक कैसे करते हैं, यानी कि इसको प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे लाते हैं, मतलब हर वर्ड्स के बीच में एकदम एक जैसा स्पेस हो, ये कैसे करते हैं, आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले वो क्या करना है, पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेना है जहां तक का हिस्सा आप ठीक करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि इस पूरे पैराग्राफ को हम ठीक करना चाहते हैं, तो हमने इसको कंट्रोल ए करके पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंट्रोल के साथ एच बटन प्रेस करिए, तो आप देखेंगे, सॉरी, कंट्रोल के साथ एच बटन प्रेस करिए तो आप देखेंगे कि फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर ओपन हो गया। अब यहाँ पर बीच वाला ऑप्शन क्लिक करना चाहिए, यानी कि रिप्लेस का। और यहाँ पर फाइंड व्हाट में हमें क्या करना टाइप करना वो ध्यान रखिएगा। सर्कमफ्लेक्स का साइन सबसे पहले टाइप करना है, उसके बाद डब्ल्यू टाइप करना है, फिर नीचे स्पेस रिप्लेस विथ के सामने हमको एक बार स्पेस ऐसे आगे बढ़ा देना है। ठीक है, सिर्फ एक बार स्पेस आगे ऐसे आगे बढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे रिप्लेस ऑल का ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ से यस पे क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि पीछे पूरा पैराग्राफ एकदम प्रॉपर स्पेस जो वगैरह है सब एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया है।